नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आईफा अवार्ड 2023 अबू धाबी के यस आइलैंड में आयोजित किए गए कल आयोजित किए गए थे और दोस्तों अवार्ड्स की घोषणा हो गई है। ऋतिक रोशन ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है और दोस्तों ये बहुत तगड़ा कंपटीशन था बेस्ट एक्टर के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अजय देवगन सर भी नॉमिनेटेड थे दृश्यम 2 के लिए, बहुत ही जबरदस्त उनकी एक्टिंग थी। अभिषेक बच्चन फिल्म दस्यू के लिए नॉमिनेटेड थे, उनने भी एक लाजवाब परफॉर्मेंस फिल्म में दी थी। इसके अलावा अनुपम खेर थे, कार्तिक आर्यन थे भूल भुलैया 2 फिल्म के लिए। तो इन सबको पीछे छोड़ते हुए ऋतिक रोशन को ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो एक तो ये बात है कि लोग उम्मीदें कर रहे थे कि शायद अजय देवगन ही अवार्ड जीत के ले जाए, क्योंकि दृश्यम 2 में उनकी भी एक बहुत ही जबरदस्त जानदार परफॉर्मेंस थी। कुछ लोग कार्तिक आर्यन के बारे में सोच रहे थे, जिस प्रकार से भूल भुलैया 2 में उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी थी, वहीं कई लोग अनुपम खेर के बारे में भी एक उम्मीदें कर रहे थे कि बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, जबरदस्त एक्टर है और द कश्मीर फाइल्स में उनकी जो एक्टिंग है वो वास्तव में वाकई लाजवाब थी। वहीं दोस्तों अभिषेक बच्चन की भी एक्टिंग दसवीं फिल्म में बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने एक किरदार निभाया था मुख्यमंत्री का और बहुत ही शानदार उनकी एक्टिंग देखने को मिलती है, तो उनकी भी एक उम्मीदें थी। खैर दोस्तों, जो भी है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आपके हिसाब से ये अवार्ड बिल्कुल सही दिया गया था या आपके हिसाब से ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिलना चाहिए था? जो भी आपकी राय हो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एनीवे, ऋतिक रोशन को मैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने के लिए धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी इस प्रकार से अच्छे अच्छे एक्टिंग करके सभी का दिल जीतते रहेंगे। और जिनको अवार्ड नहीं मिला उनको भी मैं ये बोलता हूँ बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम, कि अब तक अगली बार उनको ये अवार्ड मिले। खैर, अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिलना चाहिए था। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम।